हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्टी सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किए फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, एंड नाउ इस सेशन में हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ अनड्यूली लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम ये कहते हैं हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम होना अच्छी बात है, लेकिन किसी कंट्री में अप्रोक्सीमेट 2700 पॉलिटिकल पार्टीज का होना ये क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनड्यूली इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम ये कहते हैं इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उतनी ही ज़्यादा ग्रुपिज्म होती है, करप्शन होती है। और हर पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, कोलिजन कर रही है। कोलिजन के साथ क्या करती है, वो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कभी कभी लोकल पार्टी के साथ कोलिजन में आती है। इसीलिए हम ये कहते हैं जो लार्ज नंबर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं इन द इंडियन पार्टी सिस्टम, जिस वजह से अनहेल्थी ग्रुपिज्म एंड करप्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी जो काउंटिंग है इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। हमको राइट्स दिए गए हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये कौन सा राइट है कि आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से व्यू नहीं मिलते, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लो। कुछ पर्संस हैं वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने बनाकर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं इंडियन पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी भी देश में नहीं है। नंबर टू, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हम ये कहते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है कि वो सेकुलर हैं, वो सोशलिस्ट हैं, गांधीज्म है, उन चीज को फेवर करते हैं, वो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। क्या एक्चुअल में आपने देखा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो अपनी आइडियोलॉजी के पाथ पर चल रही हो? हर एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट हो चुकी हैं जिससे वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट काम कर रही है, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम में सिर्फ पावर में आना चाहते हैं। अगर हम पावर में आना चाहते हैं, पावर के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े हम कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी है इसको सेक्रीफाइस करना पड़े हम कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जे कास्ट रिलीजन के नाम पर हमसे वोट मांग रही हैं, हमको कह रहे हैं हम सेकुलर हैं, लेकिन हमारे देश में हम लोगों को रिलीजन कास्ट के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तो कौन सी आइडियोलॉजी रहेगी कि जो सेकुलर हो गए, तो सेकुलरिज्म का है ये तो खत्म हो चुका है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की है कि इनको पावर में आना है, देश की जनता भाड़ में जा रही है तो जाए, इनको कोई मीनिंग नहीं है। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म, लिबरलिज्म ये कौन सी इनकी आइडियोलॉजी है जिनके ऊपर ये स्टैंड लेते हैं? तो अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, अपने फायदे के अकॉर्डिंग ये अपनी पार्टी, अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं। नंबर थर्ड, इंटरनल ग्रुपिज्म। हम ये कहते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें बहुत ज्यादा ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म का मीनिंग क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर इनके लीडर्स हैं इनमें कोई कन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है तो पार्टी स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, तो नई पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने आती है। तो लीडर्स पार्टी के बेनिफिट नहीं सोच रहे, हाँ वो क्या करते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे मिनिस्टर बनना है, इसीलिए हम नए पार्टी बना लेते हैं। तो इंटरनल ग्रुपिज्म की प्रॉब्लम इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिस वजह से पार्टी स्प्लिट हो जाती है। जैसे कांग्रेस में 69, 78, 95, 99 चार टाइम्स कन्फ्लिक्ट्स हुए, एंड जनता दल में वो 90 में एग्जिस्टेंस में आती है, उसके बाद 90, 92, 93, 94, 97 उनमें भी स्प्लिट होते गए। तो हम ये कहते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी में स्प्लिट हो रही है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना स्प्लिट होती जा रही है बिकॉज ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो अपनी नई पार्टी बना लेती है। नेक्स्ट इज पावर हंग्री अप्रोच। जो आज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी अप्रोच कौन सी है, पावर हंग्री, वो पावर को अटेन करना चाहती है, वो रूल करना चाहती है। इसके लिए चाहे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल में यूज करने पड़े, चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल में यूज करने पड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि मुझे रूल करना है,
मेरे पास आनी चाहिए, मुझे इलेक्शन में जीतना है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, देश के लोगों का बेनिफिट नहीं सोच रहे। उनके अलायंस होते हैं वो भी किसके लिए होते हैं, ताकि हम मेजोरिटी गेट कर सके और रूल कर सके। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी यूज कर रहे हैं। अगर देश पे संकट में है ना, तभी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ सत्ता में आना है, उनके लिए जे ही टारगेट है। इसीलिए हम जे कहते हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जे पावर को अटेन करना चाहती हैं। इसके अलावा इनकी कोई भी और आइडियोलॉजी नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी गोल ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिफेक्शन, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल डिफेक्शन का मीनिंग है हम अपनी लॉयलिटी को खत्म कर रहे हैं। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से सीट लेकर वहां के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने के बाद हम उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी सेकंड पॉलिटिकल पार्टी में एंटर हो जाते हैं, तो जे के कहलाते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम जे कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो लॉयल्टीज हैं वो चेंज हो जाती है। अगर हमारी लॉयल्टी हमारी पेरेंट पार्टी के लिए नहीं है, तो जिस पार्टी में हम एंटर कर रहे हैं क्या हम उसके लिए लॉयल हो पाएंगे? नहीं। अगर हमें मौका मिले कोई और पार्टी बेनिफिट देगी तो हम उसके लिए लॉयल हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, जो लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने स्टैंड पर नहीं खड़ते, वो क्या कर रहे हैं किसी पार्टी को छोड़ते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि उनको फाइनेंशियल गेन मिले, पावर गेन मिले। कई बार क्या होता है, अगर आप इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आते हो, एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार है वो बनेगी एंड उसमें उसको कोई मिनिस्टर की पोस्ट दे दी जाती है, तो इसलिए भी पॉलिटिकल डिफेक्शन हो रहा है। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, लेकिन वो भी कितना वर्क कर रहा है आज के टाइम में हम सबको पता है कि पॉलिटिकल डिफेक्शन कितनी ज्यादा प्रिवेल कर रही है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में हम ये कहते हैं जितने भी करप्शन की प्रॉब्लम है स्टार्ट ही पॉलिटिक्स से होती है। जितने भी लीडर्स हैं ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं, वो क्या करते हैं हर एक चीज में अपना कमीशन रखते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ईमान उनकी मोरालिटी इतनी गिर चुकी है, अगर उन्होंने लेजिस्लेचर में क्वेश्चन पूछना है ना, इसके लिए भी वो पैसे लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल करप्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, उनके लिए किसी और की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंस है। ब्लैक मनी सबसे ज्यादा वही जनरेट होती है, फिर इलेक्शन टाइम जीतने के लिए सबसे ज्यादा ब्लैक मनी वही जनरेट करते हैं, उसके लिए पैसा यूज करते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन द इंडियन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें क्रिमिनल एमपीज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्रिमिनल एमपीज का मीनिंग क्या है कि हमारे 17th लोकसभा में 43% एमपीज क्या थे, क्रिमिनल थे। इट मींस क्या है कि हम जो लोकसभा चुन रहे हैं, हम जो कहते हैं हमारे लॉ मेकर है, अगर क्रिमिनल ही हमारे लॉ मेकर होंगे कि देश का वेलफेयर होगा? हम अपने पार्लियामेंट में किनको मेंबर बना रहे हैं, कौन से हमारे मेंबर हैं जो हमारे क्रिमिनल्स हैं? हम देख रहे हैं कि हमारे देश में 40-45% रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, चाहे आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो, चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन की बात कर लो, इन सब में 50% अप्रोक्सीमेट क्या है, क्रिमिनल्स हैं। हमारे लॉ मेकर क्रिमिनल्स हैं। क्या वो अपने अगेंस्ट कोई केस बना सकते हैं, अपने अगेंस्ट कोई लॉ बना सकते हैं जिससे हम कहें जो क्रिमिनल्स हैं इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए? इम्पॉसिबल। लेकिन अगर एक पर्सन के लिए क्रिमिनल केस चार्ज हो जाए तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, अप्लाई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मेंबर तक बन सकते हैं। तो हमारे देश में क्रिमिनलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इज अनप्रिंसिपल्ड अलायंस। आज का टाइम पोलिशन का टाइम पीरियड है, हम कहते हैं 89 तक था जब मेजोरिटी की सरकार आती है, उसके बाद पोलिशन का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो कोलिजन हो रहा है, अलायंस बन रहे हैं, कि वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, वो क्या है, अनप्रिंसिपल्ड है। हम चाहते हैं हमारी पॉलिसी जी है, लेकिन हम अलायंस बनाने के लिए, पावर में आने के लिए ऑपोजिट आइडियोलॉजी वाले से अलायंस बना लेते हैं। तो जब अलायंस बनाते हैं
हमको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम कैसे पावर में आ सकते हैं। पावर में आने के लिए हम अलायंस बना रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी कहीं भी मैटर नहीं करती है। हमारे देश में नेशनल गवर्नमेंट की, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के टू बड़े अलायंस हैं, एनडीए अलायंस, यूपी अलायंस, जो सत्ता में आते हैं। और जितने भी अलायंसेस है ना, वो अलायंस क्या कर रहे हैं, लोकल पार्टीज है उनके साथ भी गठजोड़ कर रहे हैं ताकि हम मिनिस्टर बन सके, हम पावर में आ सके। अलायंस बनाने के बाद अगर जीत जाते हैं उनको कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, मिनिस्टरशिप दी जाती है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है जो करप्शन को इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स क्या, अगर आप देश की सेवा कर रहे हो, देश की सेवा कैसे कर रहे हो, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। भगवान सबकी जरूरतें पूरी करे, सबको दे, लेकिन शुरुआत हमसे करे। तो ऐसा ही एमपी लीडर्स का है कि हम सबकी वेलफेयर की बात कर रहे हैं लेकिन शुरुआत अपने घर से कर रहे हैं। तो हम कैसे अलायंस में, कैसा इरा में, कैसे देश में है जिसमें पॉलिटिक्स पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ पार्टी फंड्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज के फंड है, पैसा है, उसका मिस यूज हो रहा है। हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी नेशनल हेल्प की जरूरत है, उनको फिनांस चाहिए, इसके लिए वो डोनेशन तक कलेक्ट करती हैं, लेकिन वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते कि उनके पास पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर खर्च हुआ। इसीलिए वो अपना पैसा इलीगल मीन से खर्च कर रहे हैं ताकि पावर में आ सके। हम ये कहते हैं हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं ना, उस टाइम लोगों की वोटें खरीदी जाती हैं, वोट, क्योंकि लोग हमारे गरीब हैं, उन गरीबों के वोटों को खरीदना हमारे देश में ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए ये पैसा उनके लिए यूज हो रहा है, हम पार्टी फंड को मिस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अग्रेसिव एंड नेगेटिव पार्टी पॉलिटिक्स। आज के टाइम में पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, ऐसा नहीं देश के भविष्य के लिए हम कुछ काम करें, पार्लियामेंट में बैठे हैं तो देश के लिए अच्छे लॉ बनाए। हम क्या करते हैं, एक रूलिंग पार्टी है, बाकी ऑपोजिट पार्टीज है। जो ऑपोजिट पार्टीज है उनका एक ही पर्पस है कि उनको क्रिटिसाइज करना, सिर्फ क्रिटिसिज्म के अलावा उनके लिए कोई और काम नहीं है कि देश का बेनिफिट किसमें है किसमें नहीं है, वो कुछ नहीं सोचते। उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ पार्टी के इंटरेस्ट को ही सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं। पार्टीज वर्क ऑन अ नेगेटिव एजेंडा इन द पार्लियामेंट, सिर्फ क्रिटिसिज्म करना ही उनका मेन काम बन चुका है। एंड लास्ट वन इज सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एज लीडर। हम देख रहे हैं चाहे रीजनल लेवल की, लोकल लेवल की, नेशनल लेवल की, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो उनके बेटे हैं बेटी हैं सिर्फ वो ही लीडर बनते हैं। क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी है उसका लीडर नहीं बन सकता, आम पर्सन लीडर नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। हमारे देश में यही चल रहा है, जिसने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था वो ही आगे अपने बच्चों को लीडर बना रहा है। तो उसमें लीडर की क्वालिटी से है, अगर कोई क्वालिफाइड है उसमें कोई लीडर की क्वालिटी नहीं है। तो फैमिली रोल हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा है, फैमिली बेस्ड लीडर्स हैं वो ही पावरफुल पोजीशन को अटेन करती हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्वालिटी नहीं देखते, फैमिली रिलेशनशिप देखते हैं जिस बेस पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, इसका मोरल है वो गिर चुका है, मोरालिटी खत्म हो चुकी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज कर रहे हैं ताकि पावर में आ सके। आज के टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका सिर्फ एक ही काम है, सत्ता में आना ताकि अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। उनके लिए देश के इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखते, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी पार्टी के इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंडियन पार्टी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हम सबको भी सोचना होगा कि हमको किसको वोट डालनी है और किसको वोट नहीं डालनी। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी क्या कर सकते हैं, हमारे अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, अच्छे मेंबर पार्लियामेंट में जा सकते हैं जो देश के लिए अच्छे लॉ बनाएंगे, जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। विद दिस हमारा इंडियन पार्टी सिस्टम का रोल है वो कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड